Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to Fearless Bees Blog. So, आज मैं आई हूँ एक नया रेसिपी लेके जो है नो ऑयल चिकन रेसिपी. सो पहले मैंने बादाम को भिगो दिया है. अभी मैं इन मसालों को थोड़ा स्मोक फ्राई कर लूँगी. सो मैंने ना इसको शॉर्ट्स में डाला था. सो सब लोग मुझे पूछ रहे थे इसका रेसिपी डाल देने के लिए. नाउ आई एम ग्राइंडिंग ऑल द पेस्ट हियर. एंड यस, यहाँ पे मैंने पैन पे थोड़ा सा घी लिया है. हम सारे जो चिकन्स हैं डाल दिया और इनको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ. अभी फाइनली मैंने सॉल्ट टू टेस्ट एंड थोड़ा अदरक ग्राइंड करके रखा था वो भी डाल दिया. आई मीन ग्रेट करके रखा था. सो यू कैन सी फ्रॉम चिकन द ऑयल इज़ कमिंग आउट. सो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा कोई ऑयल यूज़ नहीं करूँगी. अभी मैंने जो मसाले बना के रखे थे पेस्ट करके वो मैंने डाल दिए और इनके साथ चिकन को अच्छे से पकने दूँगी. फिर मुझे लगा थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा शेजवान सॉस ऐड कर दूँ तो अच्छा लगेगा. एंड अभी सारे खड़ा मसालास दे दिया, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, जो भी हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, और इनको अच्छे से अभी मैं भूनूंगी. नाउ एडिंग ऑल द स्पाइसेस लाइक जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड चिकन मसाला, दैट्स इट. अभी मैंने जो बादाम का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दिया. पहले ऐड करने से उसमें ना बादाम का स्मेल अलग हो जाता है, सो ज़्यादा पकने से अच्छा नहीं लगता. फाइनली मैंने थोड़ा पानी ऐड किया ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से. सो अभी मैं अच्छे से इसको पकने दूंगी. एंड लास्टली एडिंग सम ग्रीन चिलीज अलोंग विथ मान धनिया जो कि वाइल्ड कोरिएंडर है एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर एज वेल. आप लोग घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. मुझे लगा नहीं था कि इतना टेस्टी होगा लेकिन बहुत टेस्ट हुआ. मेरी बच्ची को भी बहुत अच्छा लगा. यू गाइज मस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय.